हाय फ्रेंड, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो, जिसकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग रिगार्डिंग जो भी बेसिक फंडामेंटल है, व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग रियल में है क्या, वो सब फंडामेंटल आपको मैं सब क्लियर करवाता रहूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता है कि मैं आपका केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल क्लियर करवाऊं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, केमिकल कंपनी में काम करते हो, केमिकल ग्रुप से कनेक्टेड हो और आप केमिकल इंजीनियरिंग में डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप केमिकल इंजीनियरिंग का बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। कल मैंने वैक्यूम पंप के बारे में समझाया था कि वैक्यूम पंप क्या है, तो फिर से दो तीन हिंट दे देता हूं। अगर आप कहीं पे भी केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके है, अदरवाइज आप इजेक्टर लगाओ, अदरवाइज आप वैक्यूम पंप लगाओ। कब इजेक्टर लगाएंगे, कब वैक्यूम पंप लगाएंगे, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। लेकिन आज मैं आपको जो समझाने वाला हूं वो ये समझाने वाला हूं कि अगर आपने वैक्यूम पंप लगा लिया, आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपने देखा होगा कि वैक्यूम पंप लगा हुआ है, एज ए इंजीनियर, एज ए ऑपरेटर, एज ए एम्प्लॉय, अगर उस वैक्यूम पंप के पास आप जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से इन होता है, कहां से क्या इन होता है, कहां से क्या आउट होता है, कहां से गैस इन होता है, कहां से गैस आउट होता है, कहां से लिक्विड इन होता है, कहां से लिक्विड आउट होता है, और क्यों इन होता है, क्यों आउट होता है। वैक्यूम पंप के पास गए पहली बार तो जब भी जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से अगर आप फर्स्ट टाइम में भी वैक्यूम पंप के पास गए तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई यहां से गैस इन हो रहा है, यहां से लिक्विड इन हो रहा है, ये लाइन क्यों प्रोवाइड की है, ये लाइन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो वो सब बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको मैं प्रैक्टिकली वैक्यूम का एक स्कीमेटिक डायग्राम बताने वाला हूं। तो वो क्या है वो जानने के लिए प्लीज सी माई वीडियो टिल द एंड। अभी सबसे पहले ये फिगर को हम समझ में लेते हैं, फिर उसकी साइकिल को समझ लेते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में नए हो, वैक्यूम पंप के पास गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहां पे इनकी लाइन कौन सी है, आउट की लाइन कौन सी है। तो सबसे पहला जो भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी नया इंजीनियर, नए केमिकल एम्प्लॉय, केमिकल कंपनी में नया जो एम्प्लॉय रहता है, उसको सबसे पहला कंफ्यूजन यह होता है कि वैक्यूम पंप की डिस्चार्ज लाइन कहां पे ढूंढे। तो आज आपको मैं क्लियर करवा रहा हूं कि वैक्यूम पंप की डिस्चार्ज लाइन सीधा क्लियरली सेपरेटर से कनेक्ट होती है। जो भी वैक्यूम पंप में से लाइन निकले और सेपरेटर से कनेक्ट हो वो वैक्यूम पंप की डिस्चार्ज लाइन है। और वैक्यूम पंप की सक्शन लाइन कोई भी प्रोसेस इक्विपमेंट से आ सकती है। जो भी प्रोसेस इक्विपमेंट में हमको वैक्यूम क्रिएट करना है वहां से हम ये वैक्यूम पंप की सक्शन लाइन दे देंगे। वैक्यूम पंप की डिस्चार्ज लाइन कौन सी है जो सेपरेटर से साथ कनेक्टेड हो, कम वही वैक्यूम पंप की डिस्चार्ज लाइन है। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बंदे ढूंढते ही रह जाते हैं कि डिस्चार्ज लाइन कौन सी है, क्योंकि वैक्यूम पंप और सेपरेटर के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो थोड़ा समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। तो सिंपल है कि वैक्यूम पंप को सेपरेटर के साथ जो कनेक्ट कर दे वही वैक्यूम पंप की डिस्चार्ज लाइन। तो हमको एक फंडा, एक आंसर मिल गया कि जो भी प्रोसेस में वैक्यूम क्रिएट करना है वहां से जो वैक्यूम पंप पे लाइन आती है वो उसकी सक्शन लाइन है। तो सक्शन लाइन से वो क्या करता है वैक्यूम पंप, अगर आपने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको फिगर बता देता हूं। ये वैक्यूम पंप है, ये जो इंडिकेट कर रहा है वो लिक्विड सीलिंग, लिक्विड की जो रिंग है वो इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंडिकेट कर रहा है वो इंपेलर इंडिकेट कर रहा है। आप यहां भी देख सकते हैं कि मैंने इंपेलर सेंटर में नहीं लगाया है, एसेंट्रिक इंपेलर लगाया है। अगर आप मेरा यही वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरा पुराना वीडियो भी देख लेना, मैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, आई बटन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा।
अगर आप वो वीडियो देखने के बाद मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको वैक्यूम पंप का फंडा ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे इंपेलर, यहाँ भी देखो मैंने इंपेलर को एसेंट्रिक सेंटर में नहीं दिया है, साइड में दिया हुआ है, एसेंट्रिक दिया हुआ है। तो वाई दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, वो जानने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना अगर आप नए हो तो। तो ये वैक्यूम पंप है, जो भी प्रोसेस में हमको वैक्यूम क्रिएट करना है वहां से ये गैस, और जैसे हमने वैक्यूम पंप को स्टार्ट किया जहां पे भी वैक्यूम क्रिएट करना है वहां से वो गैस अदरवाइज वेपर को सक करेगा। तो दिस इज द सक्शन लाइन ऑफ वैक्यूम पंप। सक करने के बाद जैसे वैक्यूम पंप सर्कुलर ऐसे घूमेगा तो डिस्चार्ज लाइन में मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि वो गैस को कॉम्प्रेस करके बाहर फेंकेगा, लेकिन यहाँ पे लिक्विड की रिंग है तो ऑब्वियसली है कि गैस के साथ अमाउंट ऑफ लिक्विड भी यहां से बाहर चली आएगी। तो वो जो लिक्विड यहां से बाहर चली आई, जो लिक्विड रिंग थी वैक्यूम पंप की, तो यहां से गैस भी आएगा और लिक्विड रिंग में से जो लिक्विड है वो भी यहां पे चला आ जाएगा। तो अभी हमारा फंक्शन क्या है कि अभी हमको जो बाहर लिक्विड और गैस मिला, गैस और लिक्विड को सेपरेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेपरेटर टैंक रखते हैं। सेपरेटर टैंक वन टाइप ऑफ साइक्लोन की तरह फंक्शन करती है। सेपरेटर टैंक की साइड में हम डिस्चार्ज लाइन को इन करेंगे जिसकी वजह से जो भी वाटर है वो वाटर गोर 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 घूम के नीचे आ जाएगा, मीन्स जो भी लिक्विड है सील वाला लिक्विड वो नीचे आ जाएगी। तो हमको यहाँ से मिलेगा लिक्विड, कौन सा लिक्विड, जो सील का लिक्विड यहाँ पे निकल के आया वो, और जो गैसेस हो वो यहाँ से हमको बाहर मिल जाएगा। उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पर हम उसको वेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो हैजार्डस नहीं है, वो गैस हैजार्डस नहीं है, तो हम उसको एटमोस्फेयर में वेंट कर सकते हैं। अगर वो गैस और वेपर हैजार्डस है तो उसके रिलेटेड हमको जो भी प्रिपेरेशन करनी है वो हम कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? अभी क्या होगा कि मैंने आपको समझाया था कि बीसी, बीसी मींस बॉयल्स एंड चार्ल्स, बॉयल्स एंड चार्ल्स ने हमको बताया था कि भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर हम कोई भी गैस को प्रेशराइज करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिकॉज गैस के लिए पी प्रोपोर्शनल टू थ्री, अगर प्रेशर बढ़ा हो तो कंप्रेसर बढ़ जाएगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आएगा उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो टेम्परेचर को कम करने के लिए हमने यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाया है। तो हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, जो भी यहाँ पे हाई टेम्परेचर मटेरियल आएगा उसको लो टेम्परेचर कर देगा। तो उसके लिए हमने हीट एक्सचेंजर के अंदर चिल वाटर की लाइन इन आउट की है। तो चिल वाटर की वजह से जो भी हाई टेम्परेचर लिक्विड रिंग वाला जो भी लिक्विड है वो यहाँ पे आके कूल होके फिर यहाँ पे चला आएगा, उसको हम यहाँ से फिर से अंदर इन कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो भी वाटर वैक्यूम पंप में से बाहर निकल गया उसको हम कंटिन्यू रिसर्क्यूलेट करेंगे। तो हमारा जो वाटर कंजम्पशन है, वाटर कंजम्पशन क्या हो गया, वाटर कंजम्पशन मिनिमम हो जाएगा। तो दिस इज द साइकिल फॉर वैक्यूम पंप। आप कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, वैक्यूम पंप के डिस्चार्ज के बाद सेपरेटर होगा, एक्सचेंजर होगा, ऐसी साइकिल आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक लाइन गैस के वेपर की इन है, यहाँ से जो कनेक्ट होती है वो किसके लिए होती है, वो होती है सेपरेटर में जाने के लिए, और जो दूसरी लाइन आती है उसमें एक लाइन लिक्विड का मेकअप के लिए। यहाँ पे भी टैंक में अगर लेवल प्लस माइनस हुआ तो मेकअप वाटर भी दिया हुआ है, ड्रेन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से इसका लेवल भी मेंटेन कर सकते है। तो दिस इज द साइकिल फॉर वैक्यूम पंप। कहीं भी जाओ, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में जाओ, वो लोग यही साइकिल को फॉलो करते हैं। आपने इंडस्ट्री में दूसरी एक एक्स्ट्रा लाइन देखी होगी जिसमें देखा होगा कि वैक्यूम पंप के जो सील है उसके लिए उन लोगों ने कूलेंट दिया हुआ है उसको ठंडा रखने के लिए, और एक वैक्यूम की रिंग बनाने के लिए भी वैक्यूम पंप में वो लोग लाइन इन करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे वो डायग्राम में प्रॉपर ड्रॉ किया नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वैक्यूम के रिगार्डिंग नया नया फंडा क्लियर करना चाहते हो, केमिकल इंजीनियरिंग में डीपली नॉलेज इंक्रीज बनाना, डीपली नॉलेज को बनाना चाहते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।